सुना आपने नीतीश बाबू क्या कह रहे थे? नीतीश बाबू कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, यानी मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की आरजेडी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। विधानसभा के भीतर खम ठोक ठोक के उन्होंने दावा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं रह सकता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़। लेकिन वही नीतीश बाबू आज एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने जो उनका गठबंधन था उसको तोड़ दिया, और आज एक बार फिर से लग रहा है कि जो दरअसल तेजस्वी यादव ने जो नीतीश बाबू को नाम दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश कुमार पलटू राम है, पलटू राम, जी हाँ, जो कभी भी पलट जाते हैं। और आज लग रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जो पलटू राम का नाम दिया था वो बिल्कुल हद तक सही था, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने में उस्ताद हैं, और पलटी मारने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं, नीतीश कुमार को कोई टक्कर नहीं दे सकता पलटी मारने में। आप ये देखिए कि अब तक भारत की राजनीति में हम आया राम गया राम सुनते थे, जो इतिहास था वो दरअसल हरियाणा के एक विधायक के नाम था, और हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम गया राम था, उस विधायक ने एक दिन के अंदर तीन बार पार्टी बदली थी, एक दिन के अंदर तीन बार पार्टी बदली, और इसीलिए तब से जो है ये कहावत बन गई, जो दल बदल करने वाले लोग थे वो उनके साथ ये कहावत जुड़ गई कि दरअसल आया राम गया राम, और आया राम गया राम जो है एक फ्रेज बन गया भारतीय राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार ने आया राम गया राम के फेज को कहीं पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो जो गया राम विधायक थे उन्होंने तो एक दिन में तीन पार्टी बदली थी ना, उसके बाद उनका कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक करियर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का इतना बड़ा राजनीतिक करियर है, इतना महान राजनीतिक करियर है कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब तक पांच बार, जी हाँ, पांच बार वो पलटी मार चुके हैं, यानी पांच बार वो गठबंधन जो बदल चुके हैं, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ नहीं जाऊंगा कसम खाते हैं, कभी उसके साथ नहीं जाऊंगा कसम खाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद पलटी मारते हैं, और जिसके साथ कभी ना जाने की कसम खाई होती है उसके साथ जाके एक बार फिर हाथ मिला लेते हैं। तो भारतीय राजनीति में मुझे लगता है कि अब से आया राम गया राम के फ्रेज को हमें छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब से हमको जो दल बदल करने वाले लोग हैं उनके लिए पलटू राम जो है शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार की उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है, बहुत महान है, क्योंकि आप देखिए कि दल बदलना तो एक व्यक्ति का काम होता है, लेकिन आप सोचिए कि गठबंधन को पूरा बदल लेना, और गठबंधन के साथ यानी कि पूरा का पूरा जो गठबंधन है उसको बदल लेना, संगठन को पूरे बदल लेना, इस तरह का जो पलटने वाली राजनीति होती है इसमें दरअसल उनका कोई सानी नहीं है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दरअसल अब से जो है आया राम गया राम मत कहिए, जो पार्टियां बदलते हैं, दल बदल करते हैं, उनके लिए पलटू राम शब्द इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति का बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, बिहार की राजनीति को बहुत कुछ बदल कर रख दिया। और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि दरअसल तेजस्वी यादव को हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने दरअसल नीतीश कुमार को लेकर एक सही जो नाम दिया वो तेजस्वी यादव ने दिया, पलटू राम, और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा पलटू राम पूरी भारतीय राजनीति में नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना को देखेंगे तो दरअसल ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प घटना है। भले ही आप नीतीश कुमार को पलटू राम कहें या नीतीश कुमार की राजनीति के आप कितने विरोधी हों, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो दरअसल भारतीय राजनीति के बहुत बड़े सिकंदर हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोचिए कि नीतीश कुमार की उनकी पार्टी, उनकी खुद की पार्टी जो जेडीयू है, वो आज तक कभी भी उसको बहुमत नहीं मिला बिहार में, उसको जेडीयू को आज तक बिहार में कभी भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद 15 साल से निरंतर वो मुख्यमंत्री हैं। देश में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है,
कोई दूसरा मुख्यमंत्री आप कहीं से ढूंढ लीजिए, भारत के इतिहास में आपको कोई ऐसा दूसरा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जिसकी पार्टी को कभी बहुमत ना मिला हो लेकिन वो 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हो। तो दरअसल इस मायने में अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए उनको भारतीय राजनीति का सिकंदर भी कहा जाना चाहिए और तकदीर का बादशाह भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी रहे लेकिन वो मुख्यमंत्री जरूर रहते हैं। अब ये पूरी जो घटना है मैं इसका आज विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन एक बात आज नीतीश कुमार का विश्लेषण करने का जरूर वक्त है, क्योंकि नीतीश कुमार को आप अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार की राजनीति ये रही है कि नीतीश कुमार ने जिसको भी गले लगाया है नीतीश कुमार ने उसकी ही पीठ में छुरा घोंपा है, यानी जिस किसी ने नीतीश कुमार को गले लगाया जब मौका लगा नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ के लिए उसके 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 पीठ में खंजर घोप दिया। और ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें सबसे बड़ा नाम जॉर्ज फर्नांडिस का है। जॉर्ज फर्नांडिस जो है देश के इतने धुरंधर समाजवादी नेता थे और नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की पीठ में छुरा घोपा। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो पी के सिन्हा है उनकी पीठ में जो है छुरा घोपा, शरद यादव की पीठ में छुरा घोपा, उपेंद्र कुशवाहा की पीठ में छुरा घोपा, उदय नारायण चौधरी की पीठ में छुरा घोपा, प्रशांत किशोर की पीठ में छुरा घोपा और उसके बाद आरसीपी सिंह जो उनके साथ उनके बड़े करीब के उनके साथ थे और एक जो है प्रशासनिक अधिकारी थे और अधिकारी जब थे तब वो नीतीश कुमार के साथ थे, उसके बाद उनकी पार्टी में आए और नीतीश कुमार ने उनको अध्यक्ष बनाया, आरसीपी सिंह जो है उनकी पीठ में भी नीतीश कुमार ने छुरा घोपा और आज उनके खिलाफ उन्होंने कई तरह के आरोप लगा रखे हैं। और अब जो है ताजा उदाहरण जो है बीजेपी का है, इसके पहले जब आरजेडी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि दरअसल आरजेडी जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट करप्ट पार्टी है और इसीलिए जो है आरजेडी का उन्होंने साथ छोड़ा था। अब इतने समय में आरजेडी में क्या बदलाव आ गया, तेजस्वी यादव में क्या बदलाव आ गया, लालू यादव में क्या बदलाव आ गया, आरजेडी कैसे ईमानदार पार्टी हो गई, इसका जवाब नीतीश कुमार को बिहार की जनता को देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कभी जवाब नहीं देते, वो खंजर घूमते हैं और पलटते हैं, पलटूरा में भारत की राजनीति के। बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें बहुत हद तक देखिए कि बीजेपी की भी एक कमी है, मैं मानता हूं कि बीजेपी की भी एक रणनीति कमी है। ये रातों रात फैसला नहीं हुआ, जो आप देखिए कि किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं वो इस्तीफा देने जाते हैं, अचानक से मीटिंग बुलाते हैं और इस्तीफा देने जाते हैं राजभवन में और इस्तीफा देने के साथ साथ तुरंत राबड़ी देवी के घर पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव के घर पहुंच जाते हैं जिसने कभी उन्हें पलटू राम कहा था। तो ये सब अचानक से एक रात में नहीं हुआ, जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ बहुत समय से पक रहा था लेकिन बीजेपी इसको सेंस नहीं कर पाई, बीजेपी को भनक तक नहीं लगी कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। जैसे शरद जैसे उद्धव ठाकरे के लिए कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि उनके विधायक जो उनके हाथ से खिसकते जा रहे हैं, तो ऐसे यहां पर बिहार में भी कहा जाना चाहिए कि बिहार में इतना सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ डीलिंग चल रही थी लेकिन बिहार में बीजेपी को पता भी नहीं चला। ये अपने आप में बड़ी बीजेपी को के लिए सोचने वाली बात है उनकी, उनसे कहां चूक हुई है। दूसरी चूक बीजेपी ने बिहार में करी कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुए थे तो पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी 74 उसके पास बीजेपी के विधायक चुने गए थे और जो आरजेडी है उसके माफ कीजिएगा जेडीयू के 43 विधायक चुने गए थे। तो ऐसे में इसके बावजूद इतनी बड़ी पार्टी लगभग दुगना का अंतर था जेडीयू में और बीजेपी में, तो बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया और बदले में बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला, तो ये भी बीजेपी की एक रणनीतिक भूल है। और तीसरी जो बीजेपी ने रणनीतिक भूल करी वो ये कि दरअसल बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के सामने अपनी किसी लीडरशिप को उभरने ही नहीं दिया। आज देखिए ना कि ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी के पास जिसका कद ऐसा हो जो दरअसल नीतीश कुमार के मुकाबला कर सके या फिर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के मुकाबले खड़ा हो सके। तो बीजेपी वहां पर जो है दूसरे नंबर की पार्टी बनी रही और बीजेपी ने अपनी लीडरशिप को नहीं उभरने दिया, ये बीजेपी की तीसरी रणनीतिक चूक है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जो होना था वो तो हो गया है, इसका विश्लेषण हम करते रहेंगे लेकिन सवाल ये कि आगे क्या, क्या नीतीश कुमार को इसलिए अब नीतीश कुमार ने जो पूरा स्टैंड लिया इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि विपक्ष के पास आज ऐसा कोई भी क्रेडिबल चेहरा नहीं है
जो दरअसल नरेंद्र मोदी के सामने उतार सके। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जो नीतीश कुमार है वो इसलिए उन्होंने पाला बदला है क्योंकि उनको ये आश्वासन दिया गया है कि 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और 2024 के बाद विपक्ष उनको नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू के मन में प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी लालसा जो है उनके मन में कहीं ना कहीं ये जो है उनके मन में है। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए किया था क्योंकि उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि नीतीश बाबू चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के सही दावेदार हैं। लेकिन हुआ क्या असल में, 2013 के बाद जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा तो 2014 में उनकी जो पार्टी थी जेडीयू उसको लोकसभा में सिर्फ दो सीटें पर सिमट के रहेगी। तो ऐसे में अब उनका दावा ना पब्लिक स्वीकार करती है ना बाकी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आता है, लेकिन नीतीश बाबू खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं और इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डील है पूरी और 2024 तक के लिए डील है, 2025 में विधानसभा जब चुनाव होंगे तब तेजस्वी यादव को आगे कर दिया जाएगा। हो सकता है ऐसी कोई डील हुई हो क्योंकि मैंने कहा कि पूरे विपक्ष के पास आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार भी ऐसा चेहरा हो सकते हैं, कम से कम मैं नहीं मानता, बिहार में वो कितने बड़े नेता हों लेकिन मैं नहीं मानता कि देश में नीतीश बाबू कभी भी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। लेकिन उनके मन में है, विपक्ष को लगता है कि राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं, ममता नहीं चल पा रही है, तो चलो नीतीश कुमार को आगे करके देख लेते हैं। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन ये डील जो है कांग्रेस इतनी आसानी से स्वीकार करेगी मुझे कम से कम इसमें शक है, संदेह है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा जो है तो वो भी राजनीति में सक्रिय तौर पर उनकी दावेदारी को पीछे छोड़कर नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने के लिए तैयार होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वैसे इसके अलावा अगर कुल मिलाकर बात करें तो राजनीति में पल पल घटनाएं घटती हैं, पल पल बदलती हैं और आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो 2024 के चुनाव में 2 साल है, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 3 साल है और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू तो पलटू राम है तो वो कब पलट जाएं वो कहा नहीं जा सकता। और मैं चलते चलते ये भी आपको याद दिला दूं कि खुद लालू प्रसाद यादव ने, जी हाँ लालू यादव ने 2017 में नीतीश बाबू के लिए ये ट्वीट करके कहा था कि नीतीश कुमार दरअसल एक सांप है और वो सांप है जो हर 2 साल में अपना केचुल बदलता है और नई जो है नई केचुली में प्रवेश कर जाते हैं, ये लालू यादव ने कहा था। तो आज जो है नीतीश कुमार ने अपनी केचुली बदल ली है लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, पर यह जरूर है कि बीजेपी के लिए एक अवसर है कि बीजेपी अब बिहार में अपने आप को खड़ा करे, अपने पैरों पर खड़ा करे, क्योंकि अब तक बीजेपी जो है भले ही कितनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो नीतीश कुमार को अपने कंधे पर ढो रही थी, नीतीश कुमार को आगे करके उनकी छाया में बीजेपी दबी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब मौका आ गया कि बीजेपी के लिए कि बीजेपी बिहार में अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि बिहार में जो कुछ हुआ उससे भारत की राजनीति में एक बार फिर जो है एक दिलचस्प मोड़ आ गया है और इस दिलचस्प मोड़ के बाद जो है 2014 की लड़ाई शायद कुछ दिलचस्प हो जाए, क्योंकि अब तक तो लोगों को ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई है नहीं और वास्तव में उनका विराट व्यक्तित्व के आगे कोई विपक्ष का नेता नहीं है। तो क्या नीतीश बाबू को अब इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जो बदल रहा है वो उसमें अभी जो कुछ होना है उसका हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।